मैं आपको लेके आया हूँ उत्तराखंड की जो राजधानी गैरसैंण बनाई जा रही है, जिसके बारे में बार बार चर्चाएं होती है। उसका जो विधानसभा सत्र चलता है वो गैरसैंण में नहीं चलता, भराड़ी सैंण में चलता है। और ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे विधानसभा भवन बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं लगता। बहुत लंबे चौड़े एरिया में ये फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आजकल यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई आतंकवादी आ जाए, कोई समाज विरोधी तत्व तो आ जाए और कुछ कर ले, तो ये मिनटों में इसको तोड़ के यहाँ से जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे भवन तो बना दिया, लेकिन उसके लिए ईमानदारी कितनी है। ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर जो है वो मुख्य द्वार है विधानसभा भवन का, जो कि बंद है। हम उस ओर जाएंगे, ऊपर, थोड़ा ऊपर लेके मैं आपको जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कम से कम 10 से 15 फीट ऊंचा ये द्वार होगा, जो कि बंद है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से दो चीजें मैं उत्तराखंड के लोगों के और सरकार के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि जब आपने यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च किया है, तो क्या केवल साल में एक दिन ये दरवाजा खोला जाएगा? क्या ये उचित नहीं है कि इस भवन का सदुपयोग किसी भी डायरेक्टरेट को चलाने के लिए किया जाए? और खासतौर पे उत्तराखंड को जो पलायन से रोकना है, उसके लिए जो 3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, पर्यटन है, हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, एग्रीकल्चर है, उनके डायरेक्टरेट यहाँ क्यों नहीं बनाए जाते? अभी हाईकोर्ट ने भी सुझाव मांगा है कि नैनीताल के बजाय कहाँ शिफ्ट किया जाए। तो गैरसैंण इसके लिए सबसे उचित जगह है, क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में है। इसमें किसी को भी विरोध नहीं होगा, कुमाऊं वाले भी इसके लिए तैयार होंगे और गढ़वाल वाले भी इसके लिए इस पहल का स्वागत करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है और ये बंद है, इसमें ताले लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बंद है, लॉक्ड है, और ये साल में एक ही बार ही खोला जाता है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पूरा निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है, उधर लेबर वहां पे बैठी हुई है अभी यहाँ पे, और करोड़ों अरबों रुपए के निर्माण कुछ सालों में यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन अगर 10 साल तक इसी तरीके से यहाँ पे रहा कि यहाँ पे निर्माण होंगे और ये दरवाजे बंद रहेंगे, तो सीधा सा मतलब ये है कि जो उत्तराखंड के लिए जो बजट था वो यहाँ पे लग रहा है, जिस विकास के बजट को उत्तराखंड के 13 जनपदों को दिया जाना था, वो बजट सारा यहाँ लगेगा। और जब इस भवन का सदुपयोग नहीं होगा, यहाँ पे कोई डायरेक्टरेट नहीं चलेगा, यहाँ पे विधानसभा नहीं बैठेगी, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे हितों के लिए बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो हमारे पैसे को पहले उन्होंने देहरादून में लगाया, अब वो यहाँ भराड़ी सैंड में लगा रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी मैं नीचे गैरसैंण गया था, गैरसैंण की हालत एक जो छोटा सा कस्बा होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए आपको उत्तराखंड की जो राजधानी गैरसैंण राजधानी बनाई जाए, क्योंकि उत्तराखंड के जो भी आंदोलनकारी थे और जन भावनाएं हैं, वो सारी गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहती थी। और लेकिन जब उत्तराखंड बना तो राजधानी देहरादून बना दी गई। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ गैरसैंण जो बाजार है उसके अंदर। आप देख सकते हैं कि होटल यहाँ पे तमाम खुले हुए हैं, देवभूमि होटल, होटल पार्वती, जीएमएन का गेस्ट हाउस भी था पीछे। तो ये इस उम्मीद में खुले कि अगर यहाँ राजधानी बन जाए तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा। तो इस वजह से देखिए बड़े बड़े होटल भी यहाँ पे खुल चुके हैं। लेकिन अभी तक एक कैबिनेट का सेशन तो गर्मियों में यहाँ पे किया जाता है, लेकिन आप सड़क की स्थिति देखिए। सबसे पहले ये देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सड़कें दिखाए। अगर उत्तराखंड सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की रहे, किसी की भी रहे, क्योंकि यही दो बड़े दल हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है पिछले 15-20 साल में, यहाँ क्या हुआ है? आप देखिए, ये सड़कें हैं, ये नालियां हैं, दो गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गुजर रही हैं, आप देख सकते हैं। एक गैरसैंण की सड़क है,
देख सकते हैं आपकी गैरसैंण 1 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। व्यापार मंडल गैरसैंण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। नगर पंचायत है गैरसैंण, लेकिन सबसे पहले मैं आप सड़कें और नालियाँ दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वाकई ईमानदार है उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि इसको राजधानी बनाने के लिए, तो भाइयों सबसे पहले इन सड़कों को चौड़ा तो कर दीजिए। जब देहरादून की सड़कें आपके ट्रैफिक को नहीं संभाल पा रही हैं, तो एक छोटे से नगर पंचायत आपको कैसे संभालेगा। आप ये देखिए, ये एक छोटा सा कस्बे का बाजार से ज्यादा अभी कुछ नहीं है। तो अगर आप वाकई ईमानदार हैं, इसको राजधानी बनाना चाहते हैं, तो समय पे इसको प्लान करके इसकी सड़कें चौड़ी कर दीजिए। यहाँ कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें होनी जरूरी है। बाजार काफी दुकानें बनी हुई हैं रोजगार की उम्मीद में, और ज्यादातर लोग यहाँ पे दुकानें इसलिए बना दी हैं कि उन्हें उम्मीद है कि कभी ये अगर राजधानी बन गई तो उनका कारोबार चल निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा कस्टमर है यहाँ पे, क्योंकि पर्यटक कोई नहीं दिखाई देता मुझे यहाँ पे, जो भी आते होंगे स्थानीय ग्रामीण यहाँ पे आते होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड की प्रपोज्ड कैपिटल है, और कितने ईमानदार उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि हैं। आज देहरादून में कैबिनेट जरूर हो रही है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि गैरसैंण की जो गलियां हैं वो आज भी सुनी है। 29 तारीख को पौड़ी में भी बात की जा रही है कि पौड़ी में भी कैबिनेट होगी। तो एक दिन कैबिनेट करा के कुछ नहीं होने वाला, अगर आपके प्रयास ईमानदार हैं तो। मूलभूत सुविधाएं जो किसी चीज़ को विकसित करने के लिए होनी चाहिए, जिसमें सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, पार्किंग है, सफाई है, ये चीज़ें ठीक करनी होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके इसी बुनियाद पे आप एक शहर का निर्माण कर सकते हैं। सड़कें खराब हैं, पेंटिंग सही नहीं है, खड्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पे कैबिनेट आयोजित हुई, तो क्या उस कैबिनेट ने यहाँ पे ये निर्णय नहीं लिया कि सड़कें ठीक कर दी जाएं, सड़कें चौड़ी कर दी जाएं। छोटी सी वीडियो क्लिप ये दिखाई है, इसके माध्यम से मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार कितनी ईमानदार है गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल भी अभी भी विकास नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर सड़कें चौड़ी नहीं है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो देहरादून, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए लगा के वहाँ पे पूरे संसाधन बना दिए गए हैं, सचिवालय वहाँ पे है, विधानसभा भवन हालांकि यहाँ पे भी बना दिया है, लेकिन वो एक पिकनिक के अलावा कुछ नहीं है। साल में एक दो बार यहाँ पे मीटिंग होती है कैबिनेट की, और उसके बाद यहाँ से प्रतिनिधि चले जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड के लोगों को, चाहे वो उत्तराखंड में रहते हों या बाहर भी रहते हों, दिखाना चाह रहा था कि गैरसैंण के लिए आखिरकार हुआ क्या अब तक। ये गैरसैंण के चाय के बागान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल दार्जिलिंग की तरह उसी तरह की क्लाइमेट और जो टोपोग्राफी है। जा रहे हैं भराड़ी सैण, यहाँ पे विधानसभा भवन बना हुआ है। अब आप अंतर देखिए, जो गैरसैंण में सड़क आपने देखी वो तो थी आम आदमी की, जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं उनके लिए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जब देहरादून से एक दिन के लिए साल में आएंगे यहाँ पे हमारे विकास के बारे में चर्चा करने के लिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप सड़क देखिए कितनी बढ़िया है, ये देखिए कितनी बढ़िया, इसमें कोई ना तो खड़े हैं, बिल्कुल बढ़िया पेंटिंग हो रखी है दोनों तरफ से, इसमें लाइनिंग भी पड़ी हुई है। तो ये है विकास, बढ़िया सड़क, बिल्कुल मक्खन जैसी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मंत्री जी को कोई झटके ना लगे, विधायक जी की कमर में कोई झसाक ना पड़े। तो ये देख सकते हैं आप भराड़ी सैण 3 किलोमीटर यहाँ से, हालांकि जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन लगता यह है कि एक पिकनिक स्पॉट की तरह इसे डेवलप कर दिया गया है, और केवल ये जता के कि आपके लिए विधानसभा भवन बना दिया गया है, साल भर में एक बार हम इस 5-स्टार
रिजॉर्ट टाइप की जगह में आएंगे और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में, लेकिन रहेंगे कहाँ? देहरादून। तो ये उत्तराखंड के विकास की हकीकत है। और इसके ठीक विपरीत आप देखिए जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी शिमला बनाई गई, शिमला पहाड़ी इलाके में है। तो आप अंतर देख सकते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। ये देखिए आप, अब हम आ गए हैं भराड़ी सैंड जहाँ पर विधानसभा भवन बना हुआ है। ये यहाँ पे विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी की स्मृति में यहाँ पे बना हुआ है। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि वहाँ हमें जाना है, वो है विधानसभा भवन। ये क्षेत्र देखने में बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है यहाँ पे और हालांकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन जब तक परमानेंटली यहाँ पे सरकार शिफ्ट नहीं होती है, यहाँ पे राजधानी नहीं बनती है, तब तक इनका कोई महत्व नहीं है। मुझे लगता है कि देहरादून की गर्मी में जब हमारे मंत्री सचिव वहाँ बैठ के सोचते होंगे एसी कमरे के अंदर, उसके बजाय वो यहाँ बैठ के अगर सरकार चले तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेगा, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण है, उनकी उम्र भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी रहेंगे। तो एक बार गंभीरता से सोच कर यहाँ राजधानी शिफ्ट करने के बारे में राय बना ही लेनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ी सैंड गैरसैंड में आपका स्वागत है। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, आजकल यहाँ कोई नहीं है, आप देख सकते हैं चौकीदार तक यहाँ नहीं है। एंट्री बिल्कुल बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के है, क्योंकि साल में यहाँ पे एक बार ही मंत्री जी आएंगे और तब पूरी फोर्स यहाँ पे तैनात होगी और तब यहाँ घुसना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आजकल जून के महीने में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर विधानसभा सत्र चलाने के लिए एक दिन के लिए यहाँ आना है तो जिस तरह से ओली में करोड़ों रुपए की शादी करवा दी गई, इस प्रॉपर्टी को भी लीज पे दे दीजिए, कम से कम प्रदेश का कुछ रेवेन्यू तो जनरेट होगा, यहाँ पे बढ़िया 5-स्टार होटल भी चल सकता है। ये रहने की व्यवस्था भी यहाँ बनाई जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लोग यहाँ रुकेंगे कि नहीं, ठहरेंगे कि नहीं, या ये बिल्डिंगें यूं ही बर्बाद हो जाएंगी। घने जंगल, जिस वजह से वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के सपनों का क्षेत्र था ये, वो इसी वजह से था कि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च कर दिए गए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, केवल एक दिन के लिए सत्र के लिए, इसका कोई औचित्य नहीं होता और उत्तराखंड की जनता को इसका विरोध भी करना चाहिए कि आप वाकई अगर ईमानदार हैं तो यहाँ पे आप राजधानी शिफ्ट क्यों नहीं करते। आप देहरादून में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपनी सुविधाओं के लिए, वहाँ भी विधानसभा भवन बनाएंगे, वहाँ भी सचिवालय बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और घंटे दो घंटे की एक बैठक के लिए आप इतना पैसा यहाँ पे जाया कर देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जनता को ही, जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। भराड़ी सैंड का विधानसभा भवन ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग यहाँ पे तैयार है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहता कोई नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। साल में तो रहती रहता है, बंद रहती रहता है।
भराड़ी सैंड का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। निश्चित रूप से विकास कार्य किए जाते हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, यहाँ पे आवासीय परिसर बन चुके हैं और ये भवन भी बहुत शानदार बना हुआ है। लेकिन जब तक यहाँ राजधानी शिफ्ट नहीं की जाती, पूरी तरीके से राजधानी शिफ्ट नहीं की जाती, और अगर जब तक राजधानी शिफ्ट नहीं हो पाती तब तक यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा विभाग या दो तीन विभाग या हाईकोर्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, और इसकी पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए जिससे कि इस इलाके में यहाँ पे कुछ चहल पहल हो जाए और अगले 10-5 साल के अंदर जब भी यहाँ पे राजधानी पूर्ण रूप से संचालित होगी तब तक ये एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको ये दरवाजा दिखा रहा हूँ जो मुख्य द्वार है, ये ऊंचा कम से कम 15 से 20 फीट ऊंचा ये दरवाजा होगा। इसके लॉक में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ये जो इसके लॉक हैं, ये जो बंद है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये दोनों लॉक ये बंद है। और ये लॉक बंद नहीं है, ये उत्तराखंड के भाग्य का जो दरवाजा है वो बंद है। जब तक उत्तराखंड राज्य की राजधानी भराड़ी सैंड में यहाँ पे इसका विधानसभा सत्र साल भर यहाँ पे राजधानी नहीं होगी, शिमला की तर्ज पे, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे यहाँ राजधानी नहीं बनाई जाएगी, तब तक उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश का विकास असंभव है। तो जागो उत्तराखंड की इस रिपोर्ट के माध्यम से, ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं इसके माध्यम से उत्तराखंड के नागरिकों से खासतौर पे निवेदन है कि मेरी इस रिपोर्ट को वो शेयर करें, जिससे कि एक जो पूरे हमारी जनमानस है जो कि उत्तराखंड में रहता है, उत्तराखंड से बाहर रहता है, वो इस बारे में जाने कि क्यों उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। उनको पलायन इसलिए करना पड़ रहा है कि उनके लिए जो बजट है, उनके लिए जो फंड है, वो इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतों पर लग रहा है। तो सब लोग जागरूक हों और हमारे जनप्रतिनिधियों को मजबूर करें कि वो यहाँ पहाड़ में बैठें और यहीं से विकास कार्य की योजनाएं संचालित करें, जिसके लिए या तो जल्द यहाँ राजधानी शिफ्ट हो जाए देहरादून से, और अगर जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकती तो यहाँ पे कुछ बड़े मंत्रालय जिसमें पर्यटन का मंत्रालय है, जिसमें पशुपालन है, जिसमें खेती का मंत्रालय एग्रीकल्चर है, जिसमें बाग बगीचे हॉर्टिकल्चर का मंत्रालय है, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में विकास होगा। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के लोगों से निवेदन कि सरकार पे दबाव बनाए, जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनाए कि राजधानी गैरसैंण में शिफ्ट किया जाए, और नहीं अगर जल्दी की जा सकती तब तक कोई ना कोई मंत्रालय, कोई ना कोई डायरेक्टरेट यहाँ शिफ्ट किया जाए जिससे कि इस धन का दुरुपयोग न हो। जागो उत्तराखंड के लिए गैरसैंण भराड़ीसैंण से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।